चलो बनाते हैं चॉकलेट आलमंड बाइट्स, जो कि मार्केट में खरीदने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। बट कोई नहीं, हम इसको घर पे इजीली और बहुत ही सस्ते तरीके से बना देंगे। और आपके पास आलमंड पड़े होंगे घर पे, कोई भी बादाम चलेगा, काजू हो तो भी डाल देना। मेरे पास कुछ आलमंड्स पड़े थे, बट आप चाहो तो ना इस सिंपल आलमंड से भी इसको कोट कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल के ना इसको सोटे कर दिया है, और जब ये ठंडा हो गया अच्छे से, फिर इसमें चॉकलेट में अच्छे से कोट करने के बाद ना एक बटर पेपर में इसमें डाल देना, और थोड़ा सा स्पेस रख के देना क्योंकि ये चिपक ना जाए एक दूसरे से। पैन मैंने यहाँ पे एक एक करके इसमें डाल दूंगी, और करना क्या यार, 15 to 20 मिनट्स तक फ्रीज में रख दो, और ये अच्छे से ये जब जम जाए ना तो इसका बाइट लो, बहुत ज़्यादा सही लगता है इसका टेस्ट। एक बार ट्राई करना आप भी घर पर, और बहुत ही ईजिली सस्ते तरीके से घर पर बन जाएगा हमारा चॉकलेट वाली आलमंड बाइट्स। और इसका वीडियो का शॉर्ट आउट जाता है इन लोगों को, और आप को भी शॉर्ट आउट चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियो।